अरब की सरजमीन पे बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा की सखावत की बातें हर खास वाम करता रहता था। तो एक मुनाफिक औरत लोगों से कहने लगी कि मैं तो नहीं मानती कि बिनते रसूल अल्लाह के पास कोई मौजजा या दौलत है, अगर होती तो वो इतनी सादगी में क्यों रहती। बस इस बात को जानने के लिए जैसे ही वो औरत बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंची, आपने उस औरत को देखा, घर के अंदर बुलाया तो वो औरत कहने लगी, ऐ बिनते रसूल अल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे हर खास आम के कसीदे बने हुए हैं, आज मैं भी चाहूंगी कि आप मुझे कुछ अता करें। बीबी सैयदा ने फरमाया, अल्लाह ने हर इंसान को वो अता किया जो उसके लिए बेहतर है। देख जो नेमतें अल्लाह ने तुझे जिस्म की सूरत में अता की हैं, उनके सामने इस दुनियावी दौलत की कोई औकात नहीं। वो हंस हंस के कहने लगी, ऐ बिनते रसूल अल्लाह, मैं आपके घर इसलिए आई हूँ ताकि देख सकूँ कि आपके पास कितनी दौलत है, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? बीबी सैयदा मुस्कुरा के देख ही रही थी तो वो औरत कहने लगी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं मानूंगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका खानदान सच्चा है। बीबी सैयदा ने फरमाया, जहाँ मेरा मसल्ला रखा है उसको हटा के देख, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। वो जैसे ही जनाबे सैयदा के हुजरे में पहुँची और बीबी पाक के मसल्ले को हटाया ही था कि वहाँ से एक खजाना नमूदार हुआ। हीरे लाल जवाहरात उस औरत को नजर आने लगे। वो जैसे ही वो जवाहरात निकालती रही, वो खजाना वैसे का वैसा ही रहा। बस अब जो बीबी सैयदा के सामने वो औरत आए तो आप मुस्कुरा के देखने लगी और वो औरत हैरत से पूछने लगी, आप कौन हैं? आपके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े खजाने की मालिक हैं। मैंने तो ये सोचा था कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं, तभी आप सादगी से रहती हैं। बीबी सैयदा फरमाने लगी, ऐ औरत, अल्लाह ने इस दुनिया के तमाम खजाने हम अहल बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि किसी भी इंसान को सादगी इख्तियार करते वक्त शर्मिंदगी ना हो। ये दुनियावी दौलत तो आखरत में सख्त तरीन हिसाब का मयार ठहरेगी। जैसे ही उस औरत ने आपका अखलाक और आपका ये मौजजा देखा तो वो कदमों पे गिर गई और कहने लगी, ऐ बिनते रसूल अल्लाह, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तस्लीम करती हूँ कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है, मैं तस्लीम करती हूँ कि आप और आपका घर अल्लाह के करीब है और आज से मैं भी मुसलमान बनती हूँ। नादे अली अल्लाह का मौजजा है और अकीक पत्थर मोमिन की निशानी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मुसीबत को अकीक पत्थर अपने ऊपर ले लेता है और पहनने वाला अल्लाह की पनाह में आ जाता है। और शाह शम्स तबरेज अपने अकीदतमंदों को अकीक पत्थर पे नादे अली लिख के दिया करते थे और ये फरमाते थे, ये नादे अली वाला अकीक अपनी शम्स वाली उंगली में पहना करो, अल्लाह के करम से तुम नाकामी से निजात पाओगे। और वो हमारे बच्चे जो रात को डरते हैं, वो नादे अली वाला अकीक अपने तकिए के नीचे रखें, इंशाल्लाह वो अल्लाह की पनाह में रहेंगे। तो अभी फोन उठाएं और दिए गए नंबर पे कॉल करके ये नादे अली वाला अकीक हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है वहाँ से, या हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com वहाँ से भी नादे अली वाला अकीक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे।